ये देखिए, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है योगा पादुका। आई थिंक उल्टा यहाँ से दिखाई दे रहा है ना। चलिए मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। तो ये है योगा पादुका, और इस तरह से ये चप्पल है, और ये बक्कल ऐसे इस तरह से ये बक्कल बांधने के लिए आता है, ताकि इजीली जो है कोई भी जिसका मोटा पैर भी हो वो भी इसे वियर कर सके। और जैसे हम योगा करते हैं ना, तो सभी को पता है कि बॉडी का हर पार्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है ना, हमारी पूरी बॉडी के फंक्शनिंग के लिए। तो वही पैर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे कि पहले पहले के आप भी जैसे बोलते हैं, बड़े बोलते हैं कि पैर जो है नरम होने चाहिए, पेट गर्म होना चाहिए, और सिर हमेशा ठंडा होना चाहिए। और ये जो चप्पल है ना, इसको मैं खोल के आपको दिखाऊं, और मैं पढ़ रही हूँ इस तरह से। इसके ऊपर जो है ये एक्वा प्रेशर्स आई थिंक बोलते हैं, मुझे साइंटिफिक लैंग्वेज नहीं आती है। इस तरह के ये बटन्स दिए हुए हैं, मैं दिखाऊँ आपको। ये देखिए, ये ना प्रेस होते हैं, ये प्रेस होते हैं इस तरह से। ये देखिए, प्रेस हो रहे हैं। जब हमारा पूरा बॉडी का इसके ऊपर वजन जाता है ना, तो ये प्रेस होते हैं। और ये देखिए, ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ से हमारी आईज को अच्छा इफेक्ट मिलता है, यानी पैर में आँखों का कनेक्शन है। तो इस वाले पॉइंट पे जब हमारा पैर रखा जाता है, तो आईज उससे इफेक्ट होती है, ठीक है, पॉजिटिवली इफेक्ट होती है। इसी तरह से ये नेक वाला पॉइंट है, जैसे सर्वाइकल होता है किसी को, तो सर्वाइकल के लिए सबको पता है कि हाँ एक्सरसाइजेस करनी है, ठीक है, नेक की एक्सरसाइज करनी है, शोल्डर की एक्सरसाइज करनी है, अपना पोस्चर अच्छा रखना है ना। तो ये सब चीज़ें तो हैं, लेकिन हाँ पैर का कनेक्शन भी नेक से है। तो ये देखिए, ये जब ये वाला पॉइंट हमारा प्रेस होगा, तो इससे हमारे नेक को बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलेगा, ठीक है। ये लंग्स के लिए है, ठीक है, किडनी के लिए। देखिए ये वाला पॉइंट जो है बिल्कुल बीचों बीच पैर के, ये किडनी के लिए, जब ये प्रेस होगा तो किडनी इफेक्ट होगी अच्छे पॉजिटिव सेंस में, ठीक है। ये हार्ट के लिए, हार्ट ब्लड प्रेशर, हमारा ब्लड का सर्कुलेशन, उसकी पंपिंग अच्छे से है ना, वो सब चीज़ जो है इस वाले पॉइंट को प्रेस होने से अच्छी हो जाएगी। लेकिन हाँ, बॉडी में जैसे चपचप होती है ना, इससे इतना रिलैक्स मिलता है ना, सीरियसली आप मानोगे नहीं, मानोगे तो यूज़ करके। खैर, तो देख लीजिएगा जिस जिसको ज़रूरत हो इस चीज़ की, तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। मैंने यूज़ किया, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये पैनक्रियाज के लिए, स्टमक के लिए, किसी की स्टमक जैसे होता है ना, किसी को जो अच्छे से खाना नहीं पचता है और कुछ भी दिक्कत हो जाती है, तो स्टमक के लिए आपको यहाँ से ये वाला प्रेशर मिला हुआ है, ये वाला पॉइंट मिला हुआ है, ठीक है। और ये यहाँ तक जो है यूट्रस, और ये सब चीज़ें जो है यहाँ पे आपको सब चीज़ें सिस्टम मिल जाएंगी, ठीक है। अब क्या है, जो ये पिछला वाला पोर्शन है, ये पिछला वाला पोर्शन किसी काम का नहीं होता, यानी हमारी एड़ी जो है सिर्फ हमारा बैलेंस बनाए रखने के लिए होती है, इसमें कोई ऐसे जो है प्रेशर पॉइंट्स नहीं है, ये रिलैक्स के लिए यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है। तो इस तरह से, और ये बक्कल में आता है, मैंने पहले भी बता दिया, कोई भी मोटा पतला इंसान जो है, यानी जिसके पैर मोटे या पतले हैं, वो इजीली वियर कर सकता है। ये इस तरह से पीछे से जो है नॉर्मल प्लास्टिक जैसा होता है ना, अच्छा मतलब एकदम नॉर्मल वाला प्लास्टिक है ना, तो वही है, मैं बिल्कुल फ्रेंकली आपको बता रही हूँ। और इसको ज़्यादा देर भी वियर नहीं करना है, इसको जो है आप सिर्फ 5 से 10 मिनट तक ही वियर करके रखें, क्योंकि ये कांटे इतने मजबूत और इतने मतलब चुभन वाले हैं ना, कि 10 मिनट इनफ होंगे, मतलब 5 से 10 मिनट, स्टार्टिंग में आप 2-3 मिनट पहनिए, ठीक है। और सुबह और शाम 2 टाइम आप इसको अगर कर लेंगे तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो मैंने मतलब ये वाला प्रोडक्ट लिया, तो मैंने सोचा मैं अपने व्यूअर्स को भी ज़रूर बताऊं, क्योंकि आप हमारे यूट्यूब के फैमिली मेंबर हैं भाई। तो जो मेरे लिए नहीं होती है चीज़, मैं सोचती हूँ कि मैं उसको आगे से आगे और स्प्रेड करूँ, मे बी वो किसी और के लिए भी यूज़फुल हो, है ना। तो ये है योगा पादुका, आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। और शायद मैं आज वीडियो बनाऊंगी अपने महाराष्ट्र से लाई हुई महाराष्ट्रियन यानी पैथनी साड़ीज़ की। तो अगर आपको मेरी वो वाली वीडियो भी देखनी होगी, तो प्लीज़ प्यार दीजिएगा, और प्लीज़ 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 अगर आपको इतनी बड़ी वीडियो, वैसे ज़्यादा बड़ी वीडियो मैं नहीं बनाती हूँ, पर फिर भी जितनी भी बड़ी वीडियो, उसमें से अगर इतना सभी पार्ट अगर आपको ठीक लगता हो, तो प्लीज़ प्लीज़ अगर आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं मन से, तो एक लाइक ज़रूर दिया कीजिए। लाइक करने से मतलब
कोई पैसे नहीं लगते हैं, सब्सक्रिप्शन से कोई भी पैसे नहीं लगते हैं। अगर आपको जेन्युइनली अच्छा लगता है हमारा चैनल तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब का बटन दबा दिया कीजिए और वीडियोस को लाइक कर दिया कीजिए। बस यही मैं आपसे मदद चाहती हूँ। और बस चैनल तो देखो ग्रो होना ही होना है, क्योंकि क्या है ना, अगर मैं ऐसे ही बैठ जाऊंगी कि मुझे वीडियोस नहीं बनानी है तो कोई भी मेरे चैनल को ग्रो नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैंने ये ठान लिया है कि मुझे वीडियोस बनानी है, व्यूज़ जैसे मर्जी आए, ठीक है, जैसे मर्जी व्यूज़ आए, लेकिन मुझे वीडियो बनानी है, तो किसी ना किसी दिन मेरे इस हौसले को बहुत अच्छी हवा मिलेगी और मैं भी सक्सेसफुल बनूंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। तो बस यही रिक्वेस्ट है, जो मन से सपोर्ट करना चाहते हैं वो लाइक भी किया कीजिए, और जो नहीं करना चाहते हैं तो वो उनकी चॉइस है, हम किसी को ज़बरदस्ती नहीं बोल सकते हैं ना, लेकिन बस रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।